अलग की हुए, उनका नाम क्या है थोड़ा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में दोनों में डिफरेंस भी क्या आने वाला है ये मैं आपको अभी बाद में आपको डिटेल में समझा दूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं यदि आपको कुछ कीज के बारे में समझा देता हूँ, आप थोड़ा एक्सप्लेन करती है। जैसे कि आपने की भी देखा होंगे यहाँ पे 0 से लेकर 9 2 है, 0 to 9 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो की दिख रहा है वो कौन सी, इसको हम बोलते हैं डाटा एंट्री की बोलते हैं, इसको हम डाटा एंट्री की बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सी दिख रही है एक की में, और नेक्स्ट है यहाँ पे CLR जिसको हम क्लियर टोटल ही बोलते हैं। ओके, वैसे ही आपने कैलकुलेटर में देखे होंगे आपने, और यहाँ पे भी CL करके आपके पास कैलकुलेटर में जो भी होंगे वहां पे आपको CL भी हो सकता है किसी किसी में। इसको हम क्लियर डाटा एंट्री, जो रिसेंट में एंट्री होती है उसको क्लियर डाटा एंट्री वो बोलते हैं उसको। उसके बाद हम CM और MC, ऐसे आपको की कहीं दिखाई देती होंगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्लियर मेमोरी। ये की इससे क्या होता है, हमारे जो मेमोरी रहते हैं वो क्लियर करते हैं। अब ये जो तीनों जो की दिख रही है इन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर की बोलते हैं, क्लियरिंग की बोला जाता है इसमें। ओके, देन बात करते हैं हम अपने ऐसे ये ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन की में आपने देखा होंगे जनरली हम एडिशन का की, और यानी जो बेरिज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, भागा या इक्वल, जिसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इक्वल बोलते हैं, ये हमारे ऑपरेशन की होंगे। ये भी बेसिक कैलकुलेटर में रहना तो कंपलसरी रहता है ये जो की रहता है। ओके, देन बात करते हैं हम, आपने ये भी आपने कई कोई भी सभी कैलकुलेटर में देखे होंगे, यम जो कैपिटल यम में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोर द डिस्प्ले नंबर इन मेमोरी। यानी ये की दबाने से क्या होता है कि ये जो भी नंबर रहेगा वो आपका स्टोर हो जाएगा डिस्प्ले मेमोरी, जो डिस्प्ले पे दिखता है वो मेमोरी में आपका स्टोर हो जाएगा। देन एम प्लस का जैसा जो आपको एक दिखेगा आपको की क्या होता है, डिस्प्ले वैल्यू इन एडेड टू द मेमोरी, यानी ये मेमोरी में जो आपने स्टोर किया है उसके साथ ये ऐड होने वाले है जो आप डिस्प्ले के साथ में एम प्लस। और एम माइनस जो बात कर रहे हो तो डिस्प्ले वैल्यू इज सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेमोरी। अब एम माइनस करने के बाद जो आपको जो मेमोरी में उससे ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और एट द एंड एट दी एरेड आप देख रहे हैं एम आर दिख रहा है और एक आर सी एल, ऐसे आपको दो की दिख रहे हैं। ये की क्या किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये स्टोर वैल्यू इन रिकॉल ऑन दी डिस्प्ले, यानी जो आपने स्टोर किया है वो वैल्यू आप दोबारा वापस लेने के लिए इन वैल्यू का इस्तेमाल करता है, तो इनको बोलते हैं मेमोरी की। तो इसको आपको ऐसे सिंबल जहां पे दिखाऊंगा उसको हम पाई की बोलते हैं, ऐसा सिंबल आपने जहां पे दिखाऊंगा इसको हम स्क्वेयर रूट की बोलते हैं, जो ये परसेंटेज का साइन वाला दिखेंगे उसको हम परसेंटेज की बोलते हैं, साइन चेंज इसको बोलते हैं जिसमें प्लस और माइनस वाला की दिखता है उसको हम साइन चेंज की बोलते हैं, जिसमें एक्स का स्क्वायर दिख रहा है उसको हम स्क्वायर रूट की बोलते हैं, और 1/x दिख रहा है उसको हम रेसिप्रोकल की बोलते हैं। इन सभी की को हम फंक्शन की बोलते हैं, ध्यान में रखिए, जो ऐसे आपको ऐसे की दिखेंगे उनको हम फंक्शन की बोलते हैं। की दिख रहा है आपको एक, जिसमें आप देखोगे अपने कैलकुलेटर में साइन लिखा रहेगा, कहीं पे कॉस लिखा रहेगा, कहीं पे टैन लिखा रहता है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बोलते हैं हम जिसे हम। और कोई भी आप की पे देखोगे ऐसा सिंपल सा डॉट दिखता है, हम जिसे हम डेसिमल पॉइंट की बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको ऐसे दो आप देखोगे आपके कैलकुलेटर में फंक्शन में, तो उसमें एक ब्रैकेट वाले दिखेंगे, एक स्टार्ट एंड एंड वाला से ब्रैकेट दिखेंगे उसको हम ब्रैकेट की बोलते हैं। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ई एक्स पे दिख रहा है इसको हम एक्सपोनेंट की बोलते हैं। ओके, देन एट द एंड आखिरी में हमारे पास जैसे एक की दिख रही है लॉग दिख रही है, लॉग की यहाँ पे INV इनवर्स की 10^x जैसे की दिख रही है, हम आज इसको इस्तेमाल करते हैं लॉगरिथम में इस्तेमाल करते हैं, जिसके की लॉगरिथम ऑफ द डिस्प्ले नंबर एंड एंटी लॉग ऑफ द डिस्प्ले वैल्यू, ये दिखाने के लिए हम ये की का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया है ये अलग अलग की के फंक्शन है, कौन के की को फंक्शन क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं, आज आपको मैं अभी कुछ एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। ये क्यों होते हैं उनको अलग अलग नाम से आपको जाना जाता है। ठीक है सर, आप समझ गए होंगे कि अलग अलग टाइप के, तो मैं